सरकार ने एक साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। मंगलवार को सरकार की पहली सालगिरह है। जेएमएम इस साल को चुनौतियों के बीच बेहतर काम वाला बता रहा है। वहीं आने वाले दिनों में सरकार के किए वादों को पूरा कर जनता की चुनौतियों पर खरा उतरने की बात भी कही गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का एक वर्ष का कार्यकाल आज पूरा हुआ, जिस परिस्थिति में हम लोगों ने इस राज्य को संभाला था और जिस वचनबद्धता के साथ हम लोग इस राज्य के बागडोर में आए, हम लोगों को मालूम था कि राज्य जिस प्रकार विनाश के गहराई में धंस रहा था, उसमें कम से कम एक से डेढ़ साल तक हम लोगों को पुनः झारखंड को रिस्टोर करने में लगेगा। सरकार पूरा बजट भी पेश नहीं कर पाई थी कि सदन भी रुक गया और चुनौती भी आ गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा संघर्ष और चुनौती को ही अपने साथ लेकर चलती। गुरु जी का संघर्ष का वो जज्बा हेमंत बाबू ने अपने कंधों पर उठाया। हमने एक तरफ रोग से लड़ने का काम किया, दूसरी तरफ रोजगार से भी लड़ने का काम किया। चलते हाथी को उड़ा दिया था, कई लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए केवल रांची एयरपोर्ट से खेलगांव तक 155 हेलीकॉप्टर को उड़ाया गया था। ठन ठन गोपाल उसके बाद कहीं एक रुपया नहीं आया, लेकिन निवेश तो आया नहीं। लेकिन एक साल में हम लोगों ने 68 इकाइयों को यहां पर स्थापित करने का काम किया। केवल वही नहीं, केवल गारमेंट फैक्ट्री के रिवाइवल में इस कोरोना काल में 164.48 करोड़ रुपए भी राज्य सरकार ने निवेश किया।